गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप प्रीवियस क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसके सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे और वो सारा होमवर्क आपने कर लिया होगा। तो हमारा चैप्टर 9 चल रहा था टाइम, जिसमें 9.1 मैंने टाइम देखना आपको सिखाया था, वॉच पूरा बताया था, और ये आर हैंड की नीडल कौन सी होती है, मिनट हैंड की नीडल कौन सी होती है, और सेकेंड की नीडल कौन सी होती है, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज जो है हम एक्सरसाइज 9 पॉइंट का डी, तो एक्सरसाइज 9 का डी करते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है। उससे पहले आपको डेज नेम लिख लेने हैं। यहाँ पे आपके डेज ऑफ द वीक हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आपको आज की डेट में ये डेज नेम आपको कॉपी में करना है और सबको स्पेलिंग के साथ लर्न भी करना है आपको। ओके, अब हम इधर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं। द थर्ड डे ऑफ द वीक इज़, तो हफ्ते का तीसरा दिन कौन सा होता है, ये कब से शुरू होता है हमारा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो थर्ड डे कौन सा होता है, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे। ओके, फ्राइडे कम्स इन बिटवीन, फ्राइडे है जो किन दो के बीच में आता है, तो किसके बीच में आता है, फ्राइडे से पहले क्या होता है, थर्सडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे, एंड सैटरडे, इन दोनों के बीच में आता है ना, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे। ओके, थर्सडे कम्स आफ्टर, थर्सडे जो है वो किसके बाद आता है, वेडनेसडे के, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे। वेडनेसडे कम जस्ट बिफोर, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, और बिफोर का मतलब पहले। तो वेडनेसडे जो है किससे पहले आता है, वेडनेसडे से पहले क्या आता है, ट्यूसडे, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे। ओके, इफ टुडे इज थर्सडे, अगर आज थर्सडे है, व्हाट डे ऑफ द वीक विल टुमारो बी, तो कल क्या होगा। तो आपने डेज नेम याद किया, तो थर्सडे के बाद हमारा क्या आता है, फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे। अब यहाँ लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ टुमारो इज संडे, अगर कल संडे है, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज यस्टरडे, मींस परसों क्या था। फिर अगर हमारा कल संडे है, मींस टुडे क्या है हमारा, सैटरडे, और यस्टरडे क्या होगा हमारा, फ्राइडे। हाँ, तो क्या, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज यस्टरडे, तो क्या होगा हमारा, सैटरडे। अगर कल हमारा संडे है, तो हफ्ते के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, एस ए टी यू आर डी ए वाई, डे, सैटरडे। ओके, इफ टुडे इज मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज यस्टरडे, तो अगर हमारा मंडे है, तो यस्टरडे किसे कहते हैं, हम बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, जो आने वाला है। तो अगर हमारा आज मंडे है, तो यस्टरडे क्या होगा, मतलब कल क्या था। तो मंडे से पहले क्या आता है, संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपकी यहीं कंप्लीट हुई, बाकी हम अगला करते हैं। एक्सरसाइज 9 के डी में आपको इतना ही करना है। अब यहाँ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.E। अब क्या है, यहाँ अभी हमने डेज की बात की, अब यहाँ हम मंथ्स नेम की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, जो मंथ्स हैं और नंबर ऑफ डेज हैं। जनवरी में कितने डेज होते हैं टोटल, 31, फरवरी में 28 और 29 कब होते हैं, वो हमारा लीप ईयर होता है। ये लीप ईयर में हमारे फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, अदरवाइज हमारा क्या होता है, फरवरी में 28 डेज ही होते हैं। और 29 डेज कब होते हैं, ये 4 साल बाद आता है लीप ईयर, एवरी 4 ईयर्स के बाद ही आता है, और 29 डेज होते हैं उसमें, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून 30, जुलाई, और ये टेबल भी आपको कॉपी में ड्रॉ करनी है। ओके, और मंथ्स नेम भी आपको लर्न करना है। कंप्लीट द ब्लैंक्स, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। 2 ईयर में कितने हो गए फिर, 24 मंथ्स। ओके, 6 मंथ्स में कितने डेज होंगे, 1 ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं टोटल, 365। तो 6 मंथ्स में क्या होगा, हम 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं,
तो 1 ईयर कितने के बराबर होता है? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 36 मंथ्स। ओके, 2 वीक्स में कितने डेज होते हैं? 1 वीक हमारे 7 डेज होते हैं, तो 2 वीक्स में कितने होंगे? 2, 14। 1 वीक में 7 डेज, तो 2 वीक में कितने होंगे? तो 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। जब भी हमारा 1 ईयर का या किसी भी चीज़ का पता हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 ईयर हमें पता था 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स में कितना होगा? 36। इस तरीके से आपको करना है। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? तो आप इसको 30 और 31 दोनों ही डाल देंगे। किसी मंथ में 31 होते हैं और 30 होता है। इस तरीके से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है और मंथ्स नेम आपको लर्न करने हैं, ये भी कॉपी में आपको लिखना है इस तरीके से टेबल बना के। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो सबसे शॉर्टेस्ट महीना कौन सा होता है ईयर का? फेब्रुअरी। FEBRUARY, फेब्रुअरी। इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबसे महीने साल का सबसे लास्ट मंथ कौन सा होता है? डिसम्बर। DECEMBER, डिसम्बर। मई कम्स आफ्टर, मई जो है वो किसके बाद आता है? अप्रैल। APRIL। अक्टूबर कम्स बिफोर, तो अक्टूबर किससे पहले आता है? सेप्टेम्बर। अक्टूबर कम्स बिफोर तो सेप्टेम्बर। SEPTEMBER। नेक्स्ट क्या है? डैश कम्स बिटवीन डिसम्बर एंड फेबररी। फेबररी और डिसम्बर से पहले क्या तक के बीच में क्या आता है? जनवरी। JANUARY। आ लीप ईयर हैज़ डेज, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं टोटल? तो लीप ईयर नहीं होता तो हमारे कितने डेज होते हैं? 365। तो लीप ईयर में टोटल हमारे कितने डेज हो गए? 366 डेज जब होते हैं उस साल में तो वो हमारा क्या होता है? लीप ईयर होता है। और जब 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं तो वो हमारा लीप ईयर नहीं होता, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। इन आ लीप ईयर योर हैज़ मोर देन डेज, किस महीने में एक दिन ज़्यादा होता है? फेब्रवरी। FEBRUARY। थर्ड है आपकी मैचिंग। 26 जनवरी को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी आने वाला है ना, ये 26 है हमारा रिपब्लिक डे। 5 सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे। हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं ना बच्चे जब टीचर्स बनते हैं। हाँ, और 14 नवंबर में क्या होता है? चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, गांधी जी का बर्थडे होता है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये भी आपको कॉपी में करना है। तो आपका ये 9.E का क्वेश्चन फर्स्ट, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए। इधर भी फिल इन द ब्लैंक्स थी। आज की डेट में ये भी आपको करना है, ये करना है, डेज नेम मंथ्स नेम करना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जो जो मैंने करवाया है आपको कॉपी में करना है। मंथ्स नेम डेज नेम ऐसे टेबल बना के आपको करना है, डेज भी लिखने हैं। और आपका ये होमवर्क है, यहाँ आपके सीजन्स लिखे हुए हैं। विंटर सीज़न अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है, स्प्रिंग सीज़न इतने में होता है, समर सीज़न इतने दिन में होता है, रेनी सीज़न इस महीने में होता है। ये भी आपको लिख लेना है कॉपी में इस तरीके से। ओके, अब एक्सरसाइज 9 जो है वो आपका होमवर्क है। 9.F का ये होमवर्क में करना है आपको। इसमें क्या बताना है? नेम 2 फेस्टिवल्स ऑफ सेलिब्रेट इन ईच सीजन। समर में हम कौन से 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, रेनी सीजन में कौन से 2 करते हैं, विंटर में क्या करते हैं और स्प्रिंग में हम कौन से 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आपको डेज दिए हुए हैं और यहाँ कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन कौन से फेस्टिवल हम कब कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ये होमवर्क में करना है और ये आपको कॉपी में ऐसे ही सेम एज इट इज़ उतारना है। सीज़न लिख के और मंथ्स लिखना है, सीज़न लिख के मंथ्स आपको कॉपी में करना है। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, चैप्टर आपका फिनिश हो गया, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप जितना भी आज मैंने क्लास में समझाया आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।